ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग या डिवीजन ऑफ पावर अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे हमने बेल्जियम की बात करी थी और श्रीलंका की बात की थी, जहाँ पे कि पावर शेयरिंग प्रॉपर मैनर में करी गई और यहाँ पे फॉलो किया गया मेजॉरिटेरियनिज्म को। तो ये चीज़ हुआ बेल्जियम और श्रीलंका में। फिर 1993 के बाद ये एक्चुअल डिवीजन किया गया पावर शेयरिंग का। उसके पहले रीजनल गवर्नमेंट्स थी, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, या फिर जो जो डिवीजन था पावर का वो प्रॉपर मैनर में उनको अलॉट नहीं किया जाता था। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन फिर बाद में 93 में ये प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ, यानी प्रॉपर डिवीजन किया गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। तो इस तरीके से जो बेल्जियम था वो शिफ्ट किया किसकी तरफ आया, यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ, यूनिटरी टू फेडरल, यूनिटरी टू फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ बेल्जियम आया, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ और फेडरलिज्म की डिमांड जो थी वो वहां पर लगातार मेंटेन रही। दूसरा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है पूरे कंट्री की, तो इस तरह से हम डिवीजन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो ये दो लेवल पे है। एक तो जैसे हमने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि पूरे कंट्री को गवर्न कर रहा है, और दूसरी हमने बात की थी स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है। जो स्टेट्स हैं वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं, बट उनको भी रूल्स और प्रोसीजर के, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर्स हैं, लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही रूल करना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पूरे कंट्री को लेके चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो इसको देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और हमने बात की थी कि सबॉर्डिनेट नहीं है, कहीं कहीं भी किसी किसी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट को वो ऑर्डर्स पास करती है और स्टेट गवर्नमेंट को उसे फॉलो करना पड़ता है, बट वो एक्चुअल फेडरलिज्म को इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जैसे इंडिया है या बहुत सारे ऐसे कंट्री में जहाँ पे कि फेडरल सिस्टम को एक्चुअली फॉलो किया गया है, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट द सबॉर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं होती, ये अपने इनको फ्रीडम होती है अपने तरीके से काम करने की, बट ये सब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर अपनी नज़र रखता है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो इंटरवेन कर सकता है। ठीक है, चलिए अब फीचर्स की हम बात करें। क्या क्या फीचर्स हैं? पहला है, दो या दो से ज्यादा लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। जैसे अभी हमने बात की, मैंने अभी शुरुआत में बात बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है, उसको भी हम ले सकते हैं। यानी हमारे कंट्री में ये तीनों चीज़ें मिलाई गई हैं, यानी थर्ड टीयर है गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको कि पंचायती राज सिस्टम है,
बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसने इसको इसका सुझाव दिया था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, और इसमें क्या क्या आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेकेंड फीचर, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, ये सभी गवर्न्स द सेम सिटीजन, ये सभी सेम सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं, लेकिन उनके जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो उनके अधिकार क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग है, बट विद डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। यानी उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार जो राइट्स हैं वो अलग है, उनकी जो सीमाएँ हैं वो अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अलग है। जैसे आप जुडिशरी में देखें तो लोअर कोर्ट, जिसको आप कचहरी बोलते हैं, लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के केसेस हैंडल करता है, और स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो जो जिन स्टेट्स को उसके अंडर में दिया गया है वो वहाँ के केसेस को देखेगा, और जो लोअर कोर्ट है वो सिर्फ वो सिटी और जो जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ के केसेस को हैंडल करेगा। तो ये हो गया सेकंड फीचर। थर्ड फीचर है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी जो हमने बातें की तो ये सब स्पेसिफाइड हैं किसमें, स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी ने अपने से डिसाइड नहीं किया है, कोई अपने से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने से अपनी सीमाएं नहीं बांधता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा बताया गया है, जो चीज़ रिटन है, उसी के अकॉर्डिंगली ये पावर का डिवीजन होता है। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें अगर कोई भी स्पेसिफिक चेंज, अगर अमेंडमेंट की हम बात करें, अमेंडमेंट की हम बात करें तो वहां पे सभी का कॉन्सेंट लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने उस पर, या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से अपने राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे हुए हैं उनके, उनको अल्टर करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल उनको लाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही ये चेंजेस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरप्रिटेशन का, यानी व्याख्या। इंटरप्रिटेशन का राइट किसका है, कोर्ट का। कोर्ट लॉ बनाती नहीं है, कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करती है, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो जस्टिस करती है, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है, बट कोर्ट खुद से अपने से लॉ नहीं बनाती और ये एक अंपायर की तरह काम करती है। अगर डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहाँ पे जो, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और स्टेट
और दूसरे स्टेट के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अगर होगा तो इसको रिजॉल्व करेगी जुडिशरी यानी कोर्ट्स। ये कोर्ट रिजॉल्व करेगी। तो ये सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फाइनेंशियली जो ऑटोनॉमी है वो सबकी अलग अलग है, यानी कौन से लॉ को इम्प्लीमेंट करके, क्या चेंजेस करके टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करना, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इस पे जो भी वर्क करना है, ये हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है। बहुत सारे टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के को लेने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट उनको घटा सकती है, बढ़ा सकती है या फिर ख़त्म कर सकती है।